अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद नून में आप सभी का खैर मकदम है। मुस्तकिल बारिश से कई निचली जगहों पर पानी दाखिल होने की वारदातें फिर से देखी जा रही है। कसई गली में फिर पानी जमा होने से यहाँ की आवाम परेशानी में मुबतला नज़र आ रही है। कसई गली, जिसे खड्डा कहा जाता है, यहाँ झोपड़ी नुमा मकानात हैं और तकरीबन 50 से ज़ायद मकानात में पानी दाखिल होते हुए देखा जा रहा है। यहाँ के आवाम ने अपना मुतालबा पेश करते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमें इस परेशानी से राहत अता की जाए। देखते हैं इंतज़ामिया किस तरह से इन्हें राहत अता करती है। ये हर साल का मसला है। इस तरह से तेज़ बारिश होने के बाद पानी दाखिल होने की तस्वीरें बारहा देखी जा चुकी है। बच्चे कच्चे कैसा रहना, क्या करना, कैसा पका खाना, घर आने पानी भी चाहिए। पानी कड़कड़ को फेंक रही है, हम जम रहा। ये देखो, ये आटा डूबे, देखो घर। अभी रात में जो लोग खाली घर को गई, ये देखो, ये पूरा आटा डूबे, घर पूरा पानी भरा है अंदर। ये देखो, ये भी आटा डूबे सो है घर। देखो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कैसा करने का, देखो बच्चे भी लोग। ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ಬಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು ಕೆಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಂಡ ನಾ ಜುನ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಇಂತರ್ದಾಗ MLA ಸೌಕಾರನೂ ಇಲ್ರಿ. MLA ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನಮ್ ಸಂಬಂಧಾಗೆ. ಮತ್ ಈಗ ಮುಂದಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡುದ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಬಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟೈತ್ರಿ ನಮಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇಂತರ್ದಾಗ ಅವ್ರ 5 ಬರಸ್ಗೆ ಪೈಲ ನನ್ನೆ ಬಚ್ಚೆ ಹಮೇ ಚಾರ್ ಘರ್ ಕೆ ಬರ್ತಾನ ಕಸ್ಕೋ ಖಾನೆ ವಾಲೆ ಹಮೇ ಕೈಸಾ ಪಕ್ಕಾ ಖಾನಾ ಕೈಸಾ ರಾನಾ ಬಚ್ಚೆ ಕಚ್ಚೆ ಲೇಕೋ ಹರ್ ಸಾಲ್ ಕು ಇತ್ತಾ ಪಾನಿ ಆತಾ ದೇಖೋ. अभी सोने को जगह नहीं, क्या नहीं देखो, कैसा कहाँ जाकर रहना बोलो, अकेले के घर आके नहीं, सबके घर में पानी आया। घर देख ले तुम्हें, देखो ये घर पड़े, यो घर पड़े, देखो वहाँ घर पड़े, सब हर एक घर में पानी कुछ है। परिस्थिति हमारी बहुत खराब है, बहुत परेशानी है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी अकेली की नहीं है परेशानी, हर पूरे खड्डे में परेशानी है। बच्चे देखो, तो कहते थे बच्चे देखो, यहाँ बच्चे देखो, बहुत बच्चे, बच्चों की बहुत हालत खराब है। देखो तो मेरे घर में भी डिले हो रही, अच्छा है मेरे घर में पानी, तुम्हें नशे में बच्चा लोग कहाँ जाना, तुम्हें क्या ऐसे हमारा हल करो, मसला हल तुम्हारे हाथ में, जैसे तुम्हें करने का जो भी करना है तुम्हें करने का। हर साल हमें पानी में जीना कर को बस बस होया, हम ना खाली दबिया को पैसे भाते बैठने का, एक तो कामा नहीं हमारे, बारिश के अंदर क्या खाना हमें, गरीब लोग का रावे जो हमने चाबने को मिलता नहीं है। अब ये जगह छोड़े तो हमने दूसरा काम भी नहीं बाबा, हमें कहाँ जाना बोलो। मक्कल तक ये बिड़ो एला नीर दाग बिद्री नोड़ी ले बंद एला। सर देखो इतना पानी आया है, बच्चे लोग सब पानी में है और इनको बहुत परेशानी है। MLA साहब भी बेंगलुरु में है, गांव में है, बोलते हैं आए नहीं, तो उन्हें देखते थे तो क्या भी उनका ये इलाका को देते थे। इन्हों रात में कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको परेशानी बहुत है। 4-5 साल पहला भी ऐसा पानी आया था, ऐसा भवन में ले जाकर रखे, लेकिन इनकी व्यवस्था क्या हुई नहीं अभी तक। ये सब तगड़ के पत्थर की तरह है, देखो तारा ऊपर कब क्या होता मालूम नहीं, कब अभी हुएगा रात में, कब कभी क्या भी तूफान जैसा हुआ, ये तो क्या भी हुआ तो मुश्किल है, बहुत जनों को नुकसान पड़ रहा है। क्या तो हुआ तो अभी 4-5 घर भी पड़े हैं, देखा तो पानी अभी 50 घर के ऊपर पानी घुसे झोपड़े में पूरे, आधे लोग बस स्टैंड में सोई, कौन ऐसे बारिश पकड़ रहे हैं, बारिश लोग घर भी दे रहे हैं उनको।